खबर रायबरेली से है। आपको बता दें कि लखनऊ मंडल के DRM व सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को जल्द सुधारने का उन्होंने निर्देश दिया है। साथ ही रेलवे स्टेशन के विस्तार और सुंदरीकरण योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की सुविधा होगी। रायबरेली के उचाहार तक डबल लाइन की मंजूरी पर रेल मंत्रालय को धन्यवाद भी दिया है। वहीं उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाई गई जो भी कमियां हैं उनको जल्द सुधारने का निर्देश दिया है। हंसा देवी मार्ग पर उतर के ट्रैफिक निकल जाए, अगर बैराना की तरफ से किसी को आना है, शहर की तरफ जाना है, तो सीधे चला जाए, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। और द्वितीय प्रवेश द्वार जो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें टिकट केंद्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया, पोर्टिको, तोरण द्वार, लैंडस्केपिंग, प्रकाश व्यवस्था, ये सारी चीजें वहां पर रहेंगी। और जो ये वर्तमान में एग्जिस्टिंग हमारा रेलवे स्टेशन है, इसको भी फसाद लाइटिंग से, सर्कुलेटिंग एरिया को, प्रकाश व्यवस्था, प्लेटफॉर्म को ठीक कराना, प्लेटफॉर्म में एक्सलेटर की व्यवस्था करना और तमाम चीजें, इस पूरे जो ये हमारी पुरानी बिल्डिंग है एकदम नई बिल्डिंग के रूप में विकसित करके रायबरेली वासियों को देने का निर्णय भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। कब तक हो जाएगा? तो निश्चित तौर से बहुत तेजी से काम शुरू हो रहा है और इसी क्रम में आज इससे संबंधित सभी उच्चाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो यथाशीघ्र काम प्रारंभ करके और रायबरेली वासियों की सुविधा में उपलब्ध कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरा रेलवे स्टेशन में कोई अब बाधा नहीं, दूसरे रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार में कोई बाधा नहीं है। हम लोगों ने मैप पर लगभग ड्राइंग बना लिया है और उस प्रवेश द्वार तक आने के तीन रास्ते, एक तो मंडी की तरफ से जो रेलवे ओवरब्रिज के किनारे किनारे आता है, और एक रास्ता यहां से सीधे जो NH को जोड़ेगा रेलवे लाइन के किनारे किनारे सीधे जा करके, और एक सीधे भी NH को स्वेस रेस्टोरेंट की तरफ जोड़ेगा। इस तरह से उत्तरी तरफ का जो रास्ता है रेलवे स्टेशन का, वो तीन मार्गों से जुड़ा हुआ बहुत ही सुविधाजनक होगा और बिल्कुल आधुनिकतम होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कितनी लागत से ये कार्य होगा, क्या ऐसा कुछ रूप? अब लागत तो जितना अभी जितनी जरूरत होगी भारत सरकार उतना पैसा हमको इस रेलवे स्टेशन के लिए देने को तैयार है। लागत अभी घट बढ़ रही है जैसे जैसे चीजें, जैसे हमने अभी आज तय किया है कि इस रेल द्वितीय द्वार की तरफ से, द्वितीय प्रवेश द्वार की तरफ तीन मार्ग आएंगे। अब तीन मार्ग आएंगे तो तीन मार्ग की लागत बढ़ गई। एक मार्ग जो रेलवे और ब्रिज की तरफ से आएगा, एक जो स्वेस रेस्टोरेंट की तरफ से सीधे आएगा, एक जो हमारा साइडिंग से होकर के सीधे वहां पर मिलेगा जाकर के जो शक्ति नगर उधर से होकर के वो जो सीधे मिलता है NH में जाकर के मिलता है, जो उधर वाला रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ उसको जोड़ेगा जाकर के।